चलो देखते हैं। इस औरत से पूछ सकते हैं कि ये कौन सी जगह है। गौतम, अगर ये भी उस गांव वाले की तरह आत्मा है तो तो बच्चे भी गौतम, ये कोई गांव लग रहा है। हाँ। पर फिर भी हम सब पे भरोसा नहीं कर सकते। चलो देखते हैं। लगी है। भाई साहब, चाय और थोड़े बिस्किट मिलेंगे? सब हमारे पास पैसे नहीं है, पर आप मेरी एक घड़ी रख सकते हैं। एक छोटी मेहरबानी और कर देंगे हम? रात गुजारने के लिए अगर कोई जगह मिल जाती तो अच्छा रहता। Thank you.
बेटा तुम्हें पता है ना कि हम किस तरफ जा रहे हैं? हम सही रास्ते तो जा रहे हैं ना? वो गांव के लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? चलो देखते हैं। चिकनी किया हुआ गौतम, क्या हो गया? गौतम, तुम are you all right? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेघा, तुम सेट कराने के लिए इतना टाइम क्यों लेती हो? सिद्धार्थ, मुझे इतना टाइम लेना पड़ता है क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा टाइम लगाते हो रेडी होने में। मैं रेडी होने में टाइम लगाता हूँ। अब तक रोलर्स तुम्हारे सेट में थे। तो क्या हुआ? वो तो लास्ट मिनट टचअप हो देना है सिद्धार्थ। व्हाटएवर। अच्छा, लोकेशन बहुत प्यारी है ना? बहुत सुंदर महल है। अगर ऐसी हवेली बॉम्बे में होती तो हम बॉम्बे में शूट कर रहे होते। अरे देखो कौन आ गया, ये तो गौतम और रोशनी है। ये गौतम और रोशनी यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं, हो सकता है हमारा शो एंटर कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। गौतम, रोशनी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रोशनी, तुम्हारे चेहरे पे और गर्दन पे ये सारे मार्क्स कैसे? क्या हुआ है तुम्हें? वो हम दोनों जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे और वहाँ पे छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, नथिंग सीरियस। और फिर हम रास्ता भटक गए और रास्ता ढूंढ ही रहे थे, तब आप दोनों हमें वहाँ मिल गए। और मैंने एक्चुअली गलती से पंकज जी को, आई एम रियली सॉरी पंकज। अरे अरे नहीं यार गौतम, चलो एक बात की खुशी है कि मेरी एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग लगी। तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में इशिता को मारने जा रहा हूँ? गाइस, आप में से किसी के पास फोन है? वो एक्चुअली जंगल में हम दोनों के फोन्स मिसप्लेस हो गए और मुझे घर फोन करना है। रोशनी, फोन तो है मगर चलता नहीं है। लैंडलाइन है वो खराब है और नेटवर्क यहाँ आता नहीं है। बट डोंट वरी, यूनिट का एक मेंबर गया है शहर, सो आई थिंक कल तक लैंडलाइन शुरू हो जानी चाहिए। आई होप सब ठीक ठाक है यहाँ पे। ठीक, खाक ठीक है? या कोई घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है? और रास्ते रास्ते पे तो गाड़ी ले जाने की सोचो भी मत। ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएंगे? गाँव, गाँव के लोग वो तो वैसे ही किसी से बात नहीं करते। सबसे पहले तुम दोनों का सीन कर रहे हैं, टचअप करा के 15 मिनट में आ जाओ। और मेगा, तुम भी कॉस्ट्यूम चेंज करके तैयार हो जाओ। एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद तुम्हारा सीन करूंगा, ओके? जी सर। और आप लोग भी जाइए ऊपर हवेली में, आराम कीजिए, काफी कमरे हैं। अरे स्पॉट। यस सर। इनको ऊपर हवेली में ले जाओ। जी सर। थैंक यू सर। वेलकम। गाइस,
आप सबको यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भी कम से कम नए चेहरे तो दिखे। चलो यार आप आराम करो, आते हैं चलिए हम भी। आइए साहब। वैसे साहब यहाँ थोड़ी सी परेशानी है कि लाइट आती जाती रहती है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगाइए, चाय पानी कॉफ़ी एक आवाज़ में हाजिर। आपका कमरा भी आ गया मैडम, ये है आपका कमरा। और साहब आगे वाला कमरा आपका है, ठीक साहब? चलो। थैंक यू दादा। थैंक यू दादा, गुड नाइट। शायद वो भयानक चीजें अब हमारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएंगी। हो सके तो उन्हें एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करना। और देखो अब बहुत जल्द हम अपने घर वापस पहुंच जाएंगे। मैं साथ वाले कमरे में हूं, तो तुम किसी चीज की चिंता मत करना। थैंक यू गौतम, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अरे जो तुमने मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम सो जाओ, बहुत थक गई होगी। गुड नाइट। गुड नाइट। Yes, sir. पीछे आ जाओ। ओके सर, रेडी। चलो सर। एक्शन। सर ये आपकी लाइन से एक बार देख लीजिए सर प्लीज। अरे रेडी है, लाइन ज्यादा टेक के टाइम कर ले। ठीक है सर, थैंक यू। सर सीन रेडी है। मेगा रेडी? रेडी सर। हाँ तुमने शॉट समझ लिया ना? हाँ जी। तुम इस तरफ मत देखना, तुम आगे बढ़ना, जहाँ तुम खड़ी हो वहां से आगे लास्ट पॉइंट तक। ठीक है सर। देखो तुम अपने प्रेमी के बारे में सोच रही हो, उधर देखना। ओके चलो। साइलेंस। रोल कैमरा एक्शन।
Got it. Very good. Perfect. मेगा तुम जरा ऐसा करो कि तुम जरा बैठो, मैं कैमरा एंगल चेंज कर लूं. हाँ आओ मेरे पास, कूद जाओ वहां से, डरो मत, आओ मेरे पास, आ जाओ. अरे भुवन सुनो, बाय द वे सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है, आप मुझे सिद्धार्थ बुला सकते हैं क्योंकि भुवन तो कैरेक्टर नहीं है ना. अरे सॉरी यार, नरेशन के टाइम में नाम हम भूल जाता हूँ. नो प्रॉब्लम. किसी से मत डरो, आ जाओ. ये लाइन है ना, सर वो मेघा माँ क्या कर रही है? ये मेघा ऊपर क्यों चढ़ रही है? शॉट तो खत्म हो चुका है. अरे मेघा, मेघा पीछे तो क्या कर रही हो? गिर जाओ. अरे मेघा रुक जा, रुको रोको भाई उसको. आ जाओ आ जाओ. रुक जा मेघा, मेघा क्या कर रही हो? मेघा मेघा आ जाओ, डरो मत. लेखा क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या कर रही थी? भुवन तुम ठीक तो हो ना? लेखा मैं भुवन नहीं सिद्धार्थ हूँ, शॉट खत्म हो चुका है. भुवन, भुवन. मेघा, मेघा क्या हो गया? मेघा, मेघा आंखें खोलो. मेघा, मेघा, मेघा अपनी आंखें खोलो. मेघा क्या हो गया तुम्हें? देखा प्लीज अपनी आंखें खोलो. क्या हो गया था तुम्हें? वहां से गिर जाती तो मुझे कुछ याद नहीं है. मुझे बस इतना याद है कि मैं वहां से चलकर अपना शॉट दे रही थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, मगर अब मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं. क्या हुआ? कुछ नहीं. तो तुमने इस तरह पेट पर क्यों हाथ रखा है? पता नहीं, अजीब सा दर्द हो रहा है. ये सब पहले भी हुआ है शूट में. उस दिन पंकज जी गिर गए थे सीढ़ियों से और उन्हें चोट भी आई थी, और फिर उसी शाम रमेश वो लाइट वाला उसके सिर पे लकड़ी का डंडा गिरने वाला था. आई टेल यू समथिंग इज रॉन्ग. पिछले 4-5 दिनों से मुझे कुछ अजीब लग रहा है. बिल्कुल सर, ये सीधा बिल्कुल सही बोल रही है. इनफैक्ट
मैं जब से यहाँ आया हूँ रोज रात में डरावने सपने आ रहे हैं। मुझे भी कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। ऐसा करते हैं कि यहाँ से चलते हैं, मैं स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस कर दूंगा, बाकी की शूट मुंबई में करेंगे। That's a good idea. हमें चलना चाहिए। अरे मेकअप दादा को बुलाना। एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। सर मेरी बात तो सुनिए, हम बॉम्बे जाकर शो नहीं कर सकते सर। सिद्धार्थ तुम उनको बोलो ना। इशिता सर देखिए, जब भी हम कोई आउटडोर पे जाते हैं ऐसी सारी प्रॉब्लम्स तो होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जगह छोड़कर चले जाए सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर। मेघा तुम आज मरने वाली थी पता है, और तुम यहाँ रहना चाहती हो, तुम्हें हो क्या गया है? ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि सिद्धार्थ सही वक्त पे आ गया और तुम्हें बचा लिया, नहीं तो मैं तो चलने को तैयार हूँ। मैं क्या, ऑलमोस्ट सारे लोग तैयार हैं। क्यों भाई, चलो फिर करते हैं सर। चलो सर एक मिनट मेरी बात तो सुनिए सर। सर अभी ने तो कहा था कि अभी यहाँ पर बहुत सारा काम बाकी है, और सर अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमने जितना कुछ भी यहाँ पर शूट किया है सब वेस्ट हो जाएगा सर। मैं भी जानता हूँ सब वेस्ट हो जाएगा, पर दूसरों की जान खतरे में डालकर शूट करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग सुबह ही चलते हैं, तुम सारे डिपार्टमेंट को पैक करने को बोल दो। ओके लेट्स मूव। अच्छा हुआ सर, आ जाओ चलिए जितनी जल्दी होगा यहाँ से निकल जाते हैं। मैंने कहा था ना मत जाओ। मेघा तुम्हें पता है मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि इतने कम समय में मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करने लगा हूं। आई मीन सिर्फ 4-5 दिन ही तो हुए हमें मिलकर। जानती हूँ, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें मिले हुए इतना कम समय हुआ है। 4-5 दिन तो क्या, 4-5 साल तो क्या सिद्धार्थ, मुझे ऐसा लगता है
कि हम एक दूसरे को हमेशा हमेशा से जानते हैं। जब तुम मेरे साथ होते हो ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब तुम साथ में नहीं होते तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों सिद्धार्थ, मुझे ऐसा क्यों लगता है? अब इतना सब कुछ देख लिया है कि लाइफ में कभी हॉरर फिल्म देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय द वे, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग रोशनी। यू लुकिंग वेरी प्रीटी। क्या मुंह और बॉडी पे स्क्रैचेस, बाल कोम किए हुए जमाने हो गए, कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई है, और मैं तुम्हें प्रीटी दिख रही हूँ? एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है। यूनिट का पैकअप भी लेट हुआ है और प्लेन में भी कुछ खाने के लिए नहीं है। क्या खाएंगे हम? तुम उसकी फिक्र मत करो, हम ब्रेकफास्ट डेट पे जाएंगे। क्या ब्रेकफास्ट डेट? कहाँ? हमारे चाचा की चाय की दुकान पे। ओह चलो रोशनी, जब हम मुंबई वापस पहुंच जाएंगे तो क्या अब तुम्हें मेरी याद आएगी? कैसी बातें कर रहे हो गौतम? नहीं वो नहीं, सॉरी। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उसके बाद हम एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए, और अब तुम्हारे सवाल का ये जवाब है गौतम, कि मुंबई पहुंचने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। भूख लग गई है। We'll be right back.
नहीं, एक रात में ये सब क्या हो गया? और एक गांव का नक्शा बदल गया। एक रात में नहीं हुआ रोशनी, ये गांव सदियों से ऐसा ही है। लड़ते आए ना, तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। अकेला तुम्हें अकेला छोड़ के मैं नहीं जाने वाला यार।
मेरी जगह यहाँ से। जॉन, जॉन होगा। अगर हमें मिले, नहीं नहीं, इंसान, तो उन्हें मैं बचा। वादा कर, वादा कर। कब से इंतजार कर रहे हैं, ना डायरेक्टर का पता ना यूनिट का, आखिर यहां हो क्या रहा है? अरे आ जाओ, कितना इंतजार कराओगे तुम लोग, निकलना है। टू मच यार, लेट्स गो। देर क्यों लग रही है? रिलैक्स पंकज जी और रिश्ता, पूरी यूनिट को तैयार होकर नीचे आने में टाइम लगेगा, तो हमें वेट करना होगा। जस्ट रिलैक्स, हमें अभी के अभी यहां से निकलना होगा। गौतम, अरे ये तुम्हें हो क्या गया? ये हालत क्या बना रखी है तुमने अपनी? गौतम, ये सारा खून क्या है? और रोशनी कहाँ है? वो और नहीं रहे। क्या? क्या? गौतम, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ रोशनी को? बोलो गौतम, हुआ क्या उसे? रोशनी को आत्माओं ने मार दिया। पूरा का पूरा गांव आत्माओं से भरा हुआ। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, वरना हम में से कोई नहीं बचने वाला। देखा तुम सबने, मैं पहले से कह रहा हूँ, कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा है। अब जो कुछ भी हो रहा है सरार नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेफ नहीं है यहाँ एक पल भी रुकना। जल्दी चलो यहाँ से, चलो सबको बुलाते हैं। पंकज जी, आप और गौतम उस तरफ के कमरे देखिए, मैं और बाकी लोग उस तरफ के देखते हैं। चलिए जल्दी। वो अपना प्रोडक्शन मैनेजर राजेश का कमरा। राजेश, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.